राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि बिहार के 21 संगठन मिलकर मनाएगी। वहीं करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिहार सरकार से मांग की है कि महाराणा प्रताप के नाम पर एक मूर्ति को या तो गोलंबर पर या रोड का नाम महाराणा प्रताप के नाम से करने की बात कही। क्या हमारा महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि के बारे में ये कहना है कि हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि पटना के अंदर महाराणा प्रताप जी के नाम से एक भी चौक नहीं है, एक भी प्रतिमा नहीं लगी हुई है। तुरंत प्रभाव से महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा लगाने के लिए हमें एक चौक में बिहार सरकार अलॉट करे दे, ताकि हम सक्षम हैं। हम ये नहीं कहते सरकार हमें पैसे दे, सरकार बनाए, हमें तो खाली जगह दे दे सरकार, हम खुद महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा लगा लेंगे और उनका चौक बना लेंगे। ये हमारी प्रमुखता से मांग थी। इसके साथ साथ आनंद लिए हम लोगों ने पिछले दिनों जंतर मंतर पे किया था और अब बिहार के अंदर भी हम बहुत जल्द ही कल डेट घोषित करेंगे और उस डेट के हिसाब से बिहार के अंदर भी एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। कल का जो प्रोग्राम पुण्यतिथि मनाई जा रही है वो महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि, अब की बार एक बिहार के 21 संगठन एक जगह होकर के कोर कमेटी, ज्यादा भीड़ हो हल्ला नहीं, जो संगठन है 21 संगठन एक जगह आकर के एक दरी पर बैठ करके, एक जाजम पर बैठ करके महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जाएगी और बिहार सरकार से प्रमुखता से मांग यही रखी जाएगी कि पटना के अंदर महाराणा प्रताप जी का चौक होना चाहिए। पटना से राजेश की रिपोर्ट। नेशन 24 की ताज़ा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें यूट्यूब चैनल और बने रहें हमारे न्यूज़ चैनल नेशन 24 के साथ। नमस्कार।